हेलो एंड वेलकम, मैं मनीषा, स्वागत है आपका टुडेज न्यूज की दुनिया में, जहां आपका होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड के सुपर हीरो यानी कि ऋतिक रोशन अपने फिल्मों को लेकर ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी एक्ट्रेस के साथ ऋतिक काम करते हैं उन्हीं के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। जी हाँ, आज हम आपको ऋतिक के लव अफेयर्स के बारे में बताएंगे। सिर्फ कंगना ही नहीं बल्कि कई अभिनेत्रियों के साथ ऋतिक का सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है। सबसे पहले हम बात करें करीना कपूर और ऋतिक रोशन की, तो आपको बता दें कि ऋतिक रोशन का नाम करीना कपूर के साथ फिल्म यादें की शूटिंग के दौरान खूब जुड़ा था। मैं प्रेम की दीवानी हूँ के दौरान तो दोनों के बीच इस रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर देखी गई थी। जी दोस्तों, हालांकि कहा तो ये भी जा रहा था कि उस वक्त ऋतिक सुजैन के साथ शादीशुदा थे। जी हाँ, एक ही समय पर दोनों को डेट कर रहे थे। वहीं हम कैटरीना और ऋतिक की बात करें तो आपको बता दें कि ऋतिक रोशन ने कैटरीना कैफ के साथ फिल्म बैंग बैंग में काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। इसी बीच में कंगना ने ऋतिक पर आरोप लगाया था कि कैटरीना की वजह से उन्होंने उनसे ब्रेकअप किया था। हालांकि सलमान खान भी ऋतिक और कैटरीना के रिश्ते पर बयान दे चुके हैं। साल 2015 में सलमान ने कहा था कि रणबीर और कैटरीना की लाइफ से ऋतिक को दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही बारबरा मोरी और ऋतिक रोशन की बात करें तो आपको बता दें कि साल 2010 में ऋतिक रोशन की फिल्म काइट्स आई थी। इस फिल्म में ऋतिक के साथ बारबरा मोरी दिखाई दी थी और दोनों के बीच शूटिंग सेट पर नजदीकियों की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। और बताया जा रहा था कि ऋतिक बारबरा की नजदीकियों की वजह से ही ऋतिक की शादीशुदा जिंदगी में दरार आई थी। खैर, जो भी हो, ऋतिक रोशन की जिंदगी में यूं तो कई अभिनेत्रियों का आना जाना लगा रहा, लेकिन सुजैन खान उनके लाइफ पार्टनर के तौर पर उनके साथ जुड़ी। सुजैन और ऋतिक बचपन के दोस्त भी थे। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।